वेलकम टू माय YouTube चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि YouTube का ऊपर जो लगता है थंबनेल, वो क्या होता है, उसको किस तरीके से बनाते हैं और सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पे मैंने ऑलरेडी एक तैयार कर रखा है, मैं आपको यहां पे चेक करवा देता हूं। यहां पे मेरे पास पिक्सल है ऑलरेडी मौजूद है, आप ये देखें जिस तरह से मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है मेरे पास व्हाट इज थंबनेल लर्न टू मेक एचडी थंबनेल हाउ टू मेक इट। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको जाके चेक करवा देता हूं यहां पे YouTube में, ठीक है कि ये चीज होती क्या है, ये लोग क्यों बनाते हैं, इसकी वजह से हमारी वीडियो का जो है व्यूज लग रहा था। यहां पे ये जो हमारे पास शो हो रहा है ये थंबनेल, जैसे कि ये अंधाधुन फिल्म का जो है ट्रेलर, ये भी मतलब ये थंबनेल बनाया हुआ है जैसे भी पीछे, और ये जो लगा हुआ है टेक्निकल तस्वीर तनवीर अस्कर का जो मतलब थंबनेल है, इस तरीके से हम मतलब जो है आज बनाना सीखेंगे। जिस तरह से ये लिखा हुआ है दुल्हन ने दिल की चित्र रोल कर दिया, इस तरीके से मतलब कोई भी होते हैं जो भी होते हैं वो सारे इसी तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सारा जो है इस वीडियो में यहाँ पे सीखेंगे। वीडियो को आपने लाजमी अंत तक देख रहे हैं, कहीं से भी स्किप नहीं करना, और अभी तक आप मेरे चैनल यूट्यूब 7 को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगी घंटी को दबा दो। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन होना चाहिए उसका नाम जो है यहाँ पर मैं आपको लिख के चेक करवा देता हूँ, पिक्सल लैब, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल भी है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको चेक करवा देते हैं। यहाँ पे ये पिक्सल है, ये आर्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास पहले बना हुआ है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं थ्री डैश में। थ्री डैश में जाने के बाद हम इमेज पे क्लिक करेंगे और कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पर हमने जो सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, ये जो हमारे पास शो रहा है इसको हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हमें इसका जो है बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ये जो सामने हमारे पास शो रहा है इसका जो भी कलर आप रखना चाहे रख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं फिलहाल जो मेरी चॉइस है या आप लोगों को सिखाने के लिए बनाना हो तो मैं यहाँ पे इसका येलो रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे चले जाएंगे टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हाट इज थंबनेल, ठीक है, व्हाट इज थंबनेल, ये इस तरीके से हम लिख लेते हैं। और इसकी साइज छोटी बड़ी करना चाहें आप, और जो लिखाई होती है उसको भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से फॉन्ट में जाके चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आप रखना चाहें इस तरीके से आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये चेक करा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। छोटा बड़ा जितना साइज इसको आपने एडजस्ट करना है वो भी आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज थंबनेल, तो यहाँ पे उसके बाद जो मैं दूसरा फिक्रा जो मेरे पास लिखा हुआ था लाइन पर मेरे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसका आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें यहाँ से जो है आप कलर में जाके इस तरीके से आप इनका कलर जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज आप जिस तरीके का रखना चाहें वो भी यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी आप बनाना चाहें उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। और थंबनेल का कलर लिखा हुआ यहाँ पे हम इसका रेड कर लेते हैं, और इसको जो है यहाँ पे फॉन्ट में जाके जो भी आपने रखना है कलर उस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसका ये भी चेंज कर लिया, ठीक है, इस तरीके से ये भी हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमारे पास जो फोटो ऑलरेडी मैंने उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर रखा है, अगर आपने रिमूव नहीं किया तो वो आप जाके रिमूव कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। यहाँ पे आप जाके अपने भी हो उसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास शो रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड फोटो पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास देखें जो भी फोटो का मैं कलर बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये फोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं उसी मिनट में सेकंड में हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो चेंज हो गया, हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने इसी तरीके से कोई भी फोटो का मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके मैं समझाने के लिए किया था, यहाँ पर मेरी जो ऑलरेडी पिक्चर पड़ी है उसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर रखा है यहाँ पर ये, ठीक है। इसको लेफ्ट राइट आपने जिस तरीके से भी करना है एडजस्ट वो भी आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जो है रख के बना सकते हैं, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अपने चैनल का नाम लें, लोगों
लिखे कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने गैलरी में से एक फ्रेम उठा लेता हूँ, ठीक है, मतलब इसको जितना ज़्यादा आप प्यारा बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है ये ब्लू कलर का फ्रेम पड़ा है, इस तरीके से मैं इसको जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल का एच डी बैनर बना सकते हैं। फिर ये होता है हमारे बैनर से दोस्तों भी करते हैं। आज की वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।